ओके जी, वेलकम अगेन। आई नो हम टाइम लिमिट से थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आई वांटेड टू हैव योर कंसर्न्स एंड क्वेश्चंस एंड फीडबैक रिलेटेड टू व्हाट वी हैव जस्ट गॉन थ्रू इन टुडे सेशन, एंड पर्टिकुलरली माइक व्हीलर एंड प्रोफेसर वुड ब्रुक्स। They have come up with new ideas in emotional context and how negotiations are to be dealt, how questions are to be asked, how extreme situations can be manifested. So iske upar I need open debate along with the ha 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 and along with the all the things which you can come up with in your discussions. Please, the hall is open. If there is anything you would like to add and like to comment, I would love to listen to that. जी, एनीवन हु डेयर्स टू स्पीक विद ओपन हा 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 एनीवन जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड इन द डिस्कशन वी हैव जस्ट गॉन थ्रू। जी जहां से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बोल सर हो सकता है मैं हाँ 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 तो ना कर सकूं, आपने कर लेकिन लिया, ये है कि मैडम वो तो आपने कर लिया। मैडम ने एक बात की है जोक के हवाले से। उन्होंने जी थ्री पॉइंट्स बताए हैं कि तीन किस्म के जोक हो सकते हैं, जी बाय रीजन। और अच्छा, उसमें सर ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो जी डेफिनेटली लीडर जो होता है, अगर एक बंदा किसी वजह से सैड है, उसको किसी चीज की पेन है, वो चाहे वो उसकी जो है बॉडी की वजह से मटेरियल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है, जी तो अब ये जो लीडर है वो तो इमोशनली तौर के ऊपर उस बंदे को डील कर ही रहा है, बाज़ का वो उसको हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और वो जी कामयाब भी हो जाता है। जी तो मेरा जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसकी जितनी मर्जी जैसे उन्होंने बात की है तो गहराइयों के अंदर हम चले जाएं, शाखें निकलती जाएंगी आगे से आगे, श्योर लेकिन मेन मेन चीज वही होगी कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा और वेल कंट्रोल्ड होगा जी वो ही लीडर जो है वो हर किस्म की सिचुएशन के अंदर जो है वो सोशली अपनी टीम को सही तरीके से लेके चल सकेगा। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। आई अप्रिशिएट योर पॉइंट एब्सोल्युटली। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर के हिस्से में आती है कि वो अपनी टीम को वो कैसे लेकर चल रहा है, कैसे मोटिवेट करता है, कैसे कूल डाउन करता है एडवर्स सिचुएशंस में, सीवियर सिचुएशंस में, लाइट मूड उनका कैसे लेकर आता है। इट्स नॉट लाइक एज इफ इट इज जस्ट अ जोक। ये बेसिकली अभी जो हम पहले बात कर रहे थे ना, अल्फाज का चुनाव, इजहारे बयान, ये जी तमाम चीजें मैटर जी करेंगी कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रिगर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, लीड कर रहे हो। तो ये सब चीजें डेफिनेटली दे वर्क। थैंक यू वेरी मच जहाज़ फॉर योर फीडबैक। जी रिफत, यू कैन टर्न ऑन योर माइक प्लीज। यस सर, इससे पहले सर स्टार्ट जब हुआ था लेक्चर तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की सारी बात की जा रही थी, और इमोशनल इंटेलिजेंस को उसका एक उसको मिटिगेट करने का, उस उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का एक तरीका कार के तौर पे हमने उसको पढ़ा। तो उसी से लिंक करके कई एग्जाम्पल्स मतलब इस्लामिक हिस्ट्री से भी मेरे जहन में आ रही थी कि हर हर कॉम्पोनेंट के बारे में एक कंप्लीट डिटेल जी यकीनन और मौजूद है, गाइडलाइंस जी यकीनन इस्लाम मौजूद से है। मिलती है। सेल्फ अवेयरनेस में जी फॉर एग्जाम्पल मतलब ये कॉन्सेप्ट देखने में आता है कि मतलब जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती, जो खुद सेल्फ अवेयर नहीं होती, खुदा भी उसकी जी मदद नहीं करता उसको चेंज जी होने के जी लिए। सेल्फ कंट्रोल के लिए कई टीचिंग्स मिलती हैं कि ऑब्वियसली ताकतवर वो नहीं है जो किसी को पिछाड़ दे, बल्कि जी जो अपने गुस्से पर काबू पा ले। ऑब्वियसली और जी बिल्कुल एम्पथी के बारे में भी मतलब यानी वो हम उस वक्त मुसलमान ही नहीं कंसिडर हो सकते जब तक हम अपने भाई के लिए वो पसंद ना करें जो जी हम अपने लिए पसंद करते हैं। इसी जी तरह सोशल स्किल्स में भी टूटे हुए दिलों को जोड़ना, इसको इसकी कितनी अहमियत है। और फिर इसके वाइस वर्सा भी देखें तो इसका मतलब फिर दिलों के तोड़ने के पे कितनी डिसलाइकिंग होगी खुदा जी की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी तो बात है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए मतलब छोटी से छोटी बात से बड़ा तरीका भी बताया गया है कि मतलब हमने किसी के बारे में गुमान भी बुरा नहीं करना, हुस्ने जान रखना है और जी सब्र से। और जी सबसे एक्सीलेंट एग्जाम्पल हमें सुलह हुदैबिया की मिलती है कि किस तरह वो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व किया गया, किस तरह एब्सोल्युटली हमें उस वक्त लग रहा था कि जैसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में, लेकिन वही फिर फतेह मुबीन बन के सामने आई। बिल्कुल ऐसा है। तो ये कई ऐसी चीजें, और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लामिक रियासत जो है कितनी दूर तक फैली थी और कितनी डाइवर्सिटी आ गई थी उसमें, लेकिन एब्सोल्युटली फिर भी जी उनकी अदालत में जो कॉन्फ्लिक्ट जो चीज पेश होती थी उसका बेहतरीन हल निकलता था बिल्कुल और ऐसी बात है। सेटिस्फेक्टरी एग्रीड सोल्यूशन एग्रीड निकलता था। जी तो यही थोड़ा मैं डिस्कस करना चाह रही थी कि कैसे रिलेटेबल है ये हमारी इस्लामिक हिस्ट्री एब्सोल्युटली के साथ। बिल्कुल है, डेफिनेटली है।
अक्सर औकात ये भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि वो हमारी ही मिरास थी जो हमसे खो गई और बहुत से हवालों से उन लोगों ने उसको पिक कर लिया और ये चीज़ बड़ी अहम है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है. द अदर डे आई वॉज गोइंग थ्रू द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आई वॉज एस्टोनिश टू सी के बहुत से ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स जो कि आजकल हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रस्पेक्टिव में डिस्कस करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रस्पेक्टिव में डिस्कस करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज हम समझते हैं कि नई टेक्नोलॉजी एक इस फील्ड में आ गई है. व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द डिटेल्स आई केम टू नो कि वो तमाम की तमाम बातें बहुत अच्छे और अहसन तरीके से कुरान और हदीस के अंदर बड़े वाजिया अहकाम के साथ ऑलरेडी मौजूद थी, जिनको कि हम आज समझ रहे हैं कि शायद वेस्ट ने एक नई टर्म निकाली और वेस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट हमारे लिए डेवलप किया है. तो आई हाईली appreciate and I'm concerned in this thing as well कि ये तमाम चीजें यकीनन हमारी हिस्ट्री में बहुत अच्छे अंदाज में वो मौजूद हैं और हमें उसको रुजू करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, ताकि हम हकीकत जान पाएं और उसके रियल जो उसका क्रक्स है उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि what we have to come up with. जी सलमान साहब, you can turn on your microphone please. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम सलमान साहब. सर ये डिबेट वो मतलब हम जो प्रीवियस सब्जेक्ट को जब स्टडी किया या एचबीआर रीडिंग्स हमने स्पेशली जब मैं उनको देख रहा था सर, तो व्हाट आई फेल्ट तमाम चीजें या डिस्कशन या जितने भी जो 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 थॉट्स उन्होंने प्रोवोक की हैं वो एक जगह आके रुक रही हैं और वो एक एक नेचुरल बैलेंस की तरफ इशारा दे रही हैं, जो एक मे बी वो बैरियर मैं अभी उसे एक्सप्रेस ये करूंगा कि वो पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करेगा, बट देर इज अ डेफिनेट बैलेंस जहां आके आप रुके, वो चाहे एंगर का एस्पेक्ट है जिसको हम बुरा समझते हैं, बट मैनेजमेंट या उसमें एक लेवल ऑफ एंगर हैज टू बी अवेलेबल, वो भी एक तवाजन में होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट या जो अंडर कमांड है वो एक ऐसे लेवल में आए तो एंगर शो करना भी शायद फिर हम इतनी रिसर्च करने के बाद भी एक नेचुरल उसकी तरफ आ जाते हैं जी, तो इसमें क्या होना चाहिए सर? राइट जी, मैं बिल्कुल इस पर अपना कमेंट देता हूँ. आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क जहां जेब के अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोट करें, उसके बाद फिर मैं बैलेंस के ऊपर कमेंट करता हूँ. जी जहां जेब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं इसमें जैसे सिस्टर ने बात की है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल है यहाँ पे जी. हम लोग इसको लेते हैं जिसको साइकोलॉजी के अंदर कहते हैं टाइम्स इन एंड टाइम्स आउट थ्योरी किड्स के लिए जी. उसके अंदर यह है कि एक मरतबा हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी वालदा छोड़ गई थी 10 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा कि जाओ आप ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला के लाओ जी. तो वो बाहर जाके तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो उनके साथ वो मगन हो गए. तो काफी देर वेट करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा वो खेल रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले गए. जाके अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलने के बाद वो वापस आए तो अंस रजी अल्लाह तआला को रास्ते में मिलते हुए कहा कि बेटा अंस, जब आप फारग हो जाओ तो बेटा आप घर आ जाना. अंस रजी अल्लाह तआला ने आगे से बयान किया कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ना मुझे समझाने का, इसको अगर हम लीडरशिप की कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर देखें जी. तो टाइम एंड थ्योरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्लाई की जी, बिल्कुल उनके ऊपर जी, कि वो उसको उनको मौका दिया, उनको रोका नहीं जैसे कि हम बच्चों को रोक देते हैं, या लीडर जो है वो किसी अगर कुछ गलत कर रहा है वो जितनी देर करेगा नहीं उतनी देर उसकी लर्निंग नहीं होगी. बिल्कुल ठीक. तो उन्होंने वहां पे किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि उसके बाद मैंने कभी भी गफलत नहीं की. हाँ जी. तो यानी वी हैव मेनी थिंग्स जस्ट लाइक अदर्स आर शेयरिंग विद अस, तो वी कैन कोट आवर ओन एग्जांपल्स. जैसे आपने भी मिसाल दी है कि हमारी जो असासे थे जी, उनको यूटिलाइज दूसरे लोग कर रहे हैं, हमारे टूल्स को यूज वो लोग कर रहे हैं जी. बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी. थैंक यू वेरी मच जहां सर फॉर योर इनपुट. और अभी जैसे सलमान साहब बात कर रहे थे एक बैलेंस की, बेसिकली सलमान साहब वी ऑल आर हैविंग डिफरेंट पर्सनैलिटीज. हम अब उसके ऊपर आपको मैंने पूरा एक आर्टिकल जो कवर करवाया था साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव्स का, उसके अंदर भी हमने यही आर्ग्यूमेंट किया था कि हम सब की जो साइकोडायनामिक डेवलपमेंट है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिफरेंट है. हम सबका माहौल, हम सबका ब्रॉटअप, हम सबके हालात और वाकयात, हम सबके लाइफ के इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स, दे आर ऑल डिफरेंट एक्चुअली.
अब उसमें आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, आई थिंक कि आप जैसे वो राज पा गए हैं सारी बहस का, कि ये एक बैलेंस की तरफ हमें इंडिकेट करता है, और उस बैलेंस में जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, हमारा जो भी पर्सपेक्टिव है, हम उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक एडेप्टेबिलिटी वो रख सकें, हम उसको हालात और वाकयात के मुताबिक मोल्ड कर सकें, क्राफ्ट कर सकें, हम जो फॉलोअर्स हैं उनकी रेडीनेस को भी देख सकें, उनकी कैपेबिलिटीज को भी देख सकें, और उसके साथ अपने आप को मैच कर सकें कि अब वहां पर हमें किस किस्म की लीडरशिप स्टाइल की जरूरत है, किस किस्म के बर्ताव की जरूरत है, किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है, कहां पर हमें मुस्कुराना है, कहां पर हमें जो है वो सीरियसनेस को अडॉप्ट करना है। और सीरियसनेस को अडॉप्ट करने का मतलब, अभी जैसे हमने क्लिप में भी गो थ्रू किया कि सीरियसनेस को अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ माथे पे बल डाल लें तो वो सीरियसनेस हो जाएगी, आपका तमाम तर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो चीज आनी चाहिए, आपके थॉट में सीरियसनेस होनी चाहिए, आपकी गुफ्तार में सीरियसनेस होनी चाहिए, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। फिर कहां पर मुस्कुराना है, कहां पर आपने लाइटर कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, कहां पर आपने सेवेरिटी को वो कम से कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी पिछले दिनों मुझे चूंकि काफी ज्यादा जाने का इतफाक हुआ हॉस्पिटल्स में, एक चीज वहां पर मैंने बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व की कि चंद डॉक्टर्स और चंद स्टाफ के आने से मरीज की बीमारी आधे से भी कम रह जाती है, और चंद लोगों के आने से उस बीमारी में जो मौजूदा है फर्दर इजाफा हो जाता है। ये सारे का सारा क्या था? ये सारे का सारा था उनकी कम्युनिकेशन, उनका स्टाइल ऑफ टॉक, उनका कंसर्न, उनकी एम्पथी, कि किसी के आने से वो बीमारी जो है वो बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही होती थी, और किसी और के आने से लगता था कि बीमारी तो अभी पता नहीं कब तक और चलेगी। तो ये सब चीजें, ये मामलात, ये ताल्लुकात, ये एहसासात, ये महसूसात, ये जज्बात, ये सब क्या है? इन तमाम के दरमियान एक बैलेंस रखना है, इन तमाम के दरमियान अपनी पर्सनैलिटी को कॉन्स्टेंट रखना है, अपनी इंडिविजुअलिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। एट द सेम टाइम आपने दूसरे को भी समझने की कोशिश करनी है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या बयान करना चाह रहे हैं, उसके दिल में क्या बात है, उसके जरूरियात क्या हैं, उसका एक्सपोजर ऑफ लाइफ कैसा रहा है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जिसके लिए अभी आपने खुद ही बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन यूज किया है, एंड आई वुड लाइक टू कोट दैट अगेन, कि हमें एक बैलेंस वो रखना पड़ेगा, चाहे वो लीडर फॉलोअर का बैलेंस हो, चाहे वो किसी भी जिंदगी के मामलात के अंदर कोई बैलेंस हो। अगर वो बैलेंस मेंटेन कर गए, अगर वो एतदाल हम ले आए, अगर वो तवाजन हम बना गए, तो फिर समझ जाए कि बस मामलात सीधे हैं, मामलात वो पार लग गए। लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम है ये वाला, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बहुत डिफिकल्ट काम होता है जिसको हम बैलेंस रखना कहते हैं। तवाजन रखना सबसे डिफिकल्ट है, एक्सट्रीम पे जाना तो बहुत आसान है, किसी भी एक्सट्रीम पे चले गए वो तो कोई इशू ही नहीं था। इशू तो तब आता है कि जब आप बैलेंस चीजों को एक मतवाजन तरीके से कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली वो लेकर चल सके, जब आप में रेजिलियंस हो, जब आप में कोशिश करने की सलाहियत हो, जब आप मुसलसल इस बात के ऊपर आमादा रहें कि आपको चीजों को कॉन्शियसली और कॉन्शियंशियसली, ये वर्ड्स में बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, इनको साथ लेकर वो चलना चाहिए। सो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि जाहिर है कि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं इस सारे माहौल के अंदर। मेन मकसद ही हमारा ये था कि हम डिस्कशंस के साथ और डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखें और देखें कि हाउ पीपल रिएक्ट, हाउ पीपल बिहेव, हाउ पीपल ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंड इनफर डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीजें तो यकीनन है, इसमें तो कोई शको शुबा हमारे पास नहीं है। आई वुड लाइक कि अदर पीपल दे शुड आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग, उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या समझते हैं। जोनिया, अलीना, आमिना, अमारा, मारिया, शाहजेब, कुछ आप ऐड करना चाहें डियर? एनीथिंग अदर देन व्हाट जहाजेब हैज टॉक, व्हाट सिमान साहब इज सेइंग, व्हाट रिफत हैज एडेड? जी, एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग, और इवन लाइक दोज हु हैव ऑलरेडी ट्राइड, दे कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन आंसरिंग ईच अदर्स क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। जी, एनीवन प्लीज। ओके, इफ नो क्वेश्चन इज फर्दर कमिंग इन, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेशन टुडे, बट राइट, वी हैव गॉट अ वेरी गुड डिस्कशन एंड वी हैव कम टू नो सो मेनी न्यू थिंग्स फॉर अवर जनरल ओरिएंटेशन एंड फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर अवर डेवलपमेंट ऑफ थॉट। यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन को इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह यहीं से नेक्स्ट टाइम अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।